वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करा था उसमें मैंने शुद्ध अंग्रेजी में बात की थी, जो कि फिरंगी लोगों की भाषा, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि दीदी आपकी तो पूरी हिंदी कहां पर चली गई, हमें हिंदी में वीडियो चाहिए, आपने हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाया। यार कौन मेरे प्रोडक्ट्स खरीदेगा अगर मैं मेरी टपोरी हिंदी में बात करूंगी और बोलूंगी कि दीदी सज्जनो लॉन्डर लॉन्डियो, अगर आप अपना थोपड़ा मेरी तरह चिकना बनाना चाहते हैं ना तो आप ये वाली क्रीम इस्तेमाल करिए, अगर आप ये वाली क्रीम इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके थोपड़े से कमलेश विमलेश सुरेश सब सर्वनाश हो जाएंगे और आपका थोपड़ा मेरी तरह मस्त मस्त दिखेगा। कौन खरीदेगा मेरे प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से ऐसे सीरियस वीडियो बनाने पड़ते हैं, ऐसे करना पड़ता है यार, समझा करो। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा मेरे स्ट्रगल्स। एनीवे गाइस, ये फालतू की बकवास थोड़ी कम करते हैं और आज की वीडियो के पॉइंट पर जाते हैं। जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं कन्वीनियंस स्टोर फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कन्वीनियंस स्टोर में। तो अभी यहाँ के सुबह के 9:30 बज चुके हैं, तो हम जल्दी से बाहर चलते हैं कन्वीनियंस स्टोर ब्रेकफास्ट करने के लिए। जो कन्वीनियंस स्टोर मेरे घर के पास में ना वो आज बंद है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा दूर जाएंगे और मैं लेके जाऊंगी मेरी ये दो पहिए वाली फटपटी और इसका नाम मैंने रखा है बसंती। ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट कन्वीनियंस स्टोर। ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं, ये है एक इटालियन डिजर्ट, तो मैं ये वाला खरीदती हूँ। दिस वन इज सो क्यूट, सो स्मॉल, बनाना उयो। तो हम यहाँ पे बैठकर खाना खाते हैं। तो ये रहा बनाना उयो, आपका प्यारा दुलारा बनाना उयो फ्रॉम JK। चीयर्स। सो रिफ्रेशिंग, इसमें परफेक्ट बैलेंस है बनाना और मिल्क का। अभी ये वाला ट्राई करते हैं, ये वाला है मेड इन इटली, इट्स बेसिकली अ डोनट, इसके अंदर है सम पीस ऑफ चॉकलेट। गुड। यूजुअली इटली में लोग ब्रेकफास्ट में कॉफी के साथ ये जो बिस्किट वगैरह होते हैं ना ये खाते हैं। बाय द वे ये है एक हेयर बैंड, जो मेरे पड़ोसी हैं उनके दो जुड़वा बच्चे हैं जो कि 7 साल के, और वो स्कूल में सिलाई सीखते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे लिए ये हेयर बैंड बना के दिया है गिफ्ट में। सो क्यूट। फिनिश। सो गाइस आई एम डन विथ माय ब्रेकफास्ट, और सुबह सुबह लोग यहाँ पे आ रहे हैं मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। तो जैसे कि मैं कह रही थी, मुझे सुबह ज़्यादा इच्छा नहीं होती ज़्यादा खाने की, तो इसलिए मैंने सिंपल सा ब्रेकफास्ट कराया। सो अभी हम घर पर चलते हैं, मोमो के साथ खेलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, और उसके बाद में हम लंच करने जाएंगे दूसरे कन्वीनियंस स्टोर में। लेट्स गो होम। ये रही मेरी फटफटी बसंती। Finally back home. Bye Basanti. कुछ पार्सल आया है। अभी इस पार्सल को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। I think इसके अंदर एक स्वेटर होनी चाहिए। ये है एक डॉल्फिन स्वेटर। It's so cute. अभी हम इसको ड्रेसिंग रूम में जचा के रखते हैं। सो गाइस अभी मैं मंगमों के साथ थोड़ा खेलूंगी, उसको बाहर घुमाऊंगी, और उसके बाद में नहा के तैयार होके हम कन्वीनियंस स्टोर जाएंगे लंच करने के लिए। सो गाइस अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं आज का मौसम काफ़ी मस्त मस्त वाला मौसम है। सभी मैं जा रही हूँ मेरे बस स्टॉप पर, वहाँ से हम बस लेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे कन्वीनियंस स्टोर लंच करने के लिए। बाय द वे मैंने रियलाइज़ करा है कि मैंने आपको मेरा आउटफिट ऑफ द डे नहीं दिखाया। तो ये रहे मेरे आज के वस्त्र, ये रही एक क्रॉप टॉप स्वेटर जो कि मैंने कल ही खरीदी थी, और ये रही ब्लू जीन्स एंड सैंडल्स। I'm so stupid. I forgot to bring my wallet, so I cannot take the bus. तो अभी मुझे वापस घर पर जाना है, वॉलेट लेके आना है और वापस बस का इंतजार करना है। यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ये रहा मेरा वॉलेट। Let's go. I finally got my wallet and I hope कि जो मेरी next बस है ना वो जल्दी से आ जाए, नहीं तो मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा और जो मेरा पूरा आज का प्लान है ना वो फेल हो जाएगा।
बस मिस हो गई तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास मेरी ये टांगे हैं तो पैदल पैदल चलते हैं, थोड़ी कसरत भी हो जाएगी और ऊपर से मेरे बस के पैसे भी बच जाएंगे जो कि है 70 रुपये। कोई बात नहीं, उन पैसे से हम कुछ यम्मी यम्मी खाना खरीदेंगे कन्वीनियंस स्टोर से। मोटरसाइकिल, ट्रक। सो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं ईमार्ट 24 जहाँ पर हम आज लंच करने वाले हैं। विनी द पूह की चेन, यार ये इतनी महंगी क्यों है, सोने से बनी हुई है क्या? यहाँ पर रही दारू, लेकिन हम आज दारू नहीं पीने वाले, तो हम आज ये वाली पीने वाले हैं BTS की कॉफ़ी। इस बार आई एम गोना चूज वी। यहाँ पर शुगा की भी कॉफ़ी है, देयर इज आल्सो शुगा हियर। सो ये वाली है मिल्क कॉफ़ी और ये वाली है जस्ट ब्लैक कॉफ़ी, तो आई एम गोना गेट मिल्क कॉफ़ी। आज मुझे सोसेज खाने का मन नहीं है, सो आई एम गोना गेट दिस फ्रूट, के अंदर है मैंगो। Gonna get this one, spicy flavor. Rain the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. So guys, ye raha mere aaj ka lunch. I got some mango, spicy wala ramen. Ye wala hai triangle shaped rice and BTS. और एक्चुअली रामियन और ये जो राइस है ना, यूजुअली कोरियन लोग कन्वीनियंस स्टोर में ये खाने के लिए आते हैं, सो ये वाला है एक टिपिकल कन्वीनियंस स्टोर लंच। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रामियन के साथ। सो अभी मुझे इस रामियन को 4 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा गरम गरम पानी के अंदर, तो तब तक हम ये वाला ट्राई करते हैं। सो ये वाला जो किमची है ना, वो काफी स्पाइसी और स्वीट भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अचार खा रही हूँ चावल के साथ, एंड इट्स सो यम्मी। दिस वन वाज सो गुड गाइस, कभी आप कोरिया आओ ना तो आपको जरूर ये वाला ट्राई करना है। एनीवे आई थिंक ये हमारा रामियन तैयार हो चुका है, तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। यार व्लॉगिंग करने के चक्कर में मैंने पानी कुछ एक्स्ट्रा ही डाल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है चलता है। आई विश कि आप भी गाइस स्क्रीन के थ्रू ये रामियन खा सकें, इट्स सो यम्मी, मज़ा आ गया। एनीवे गाइस अभी टाइम हो चुका है हमारे फ्रूट खाने का, देयर इज अ लिटिल फोर्क इनसाइड, लेट्स ट्राई। दिस इज माय लास्ट पीस। सो गाइज आई एम डन विथ माई लंच और अभी हम यहाँ से जल्दी से चलते हैं क्योंकि पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं बैठने के लिए, सो आई एम गोना लीव दिस सीट फॉर देम। सो गाइज कन्वीनियंस स्टोर में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी, बहुत सारे लोग मेरे पीछे इंतजार कर रहे थे कि कब मैं खाना खत्म करूँ, कब मैं वहां से निकलूँ, तो उसकी वजह से मैं बाहर जल्दी आ गई। और ये जो कॉफी है ना, अभी हम इसको ट्राई करते हैं। एक और ढक्कन, बड़ा ढक्कन छोटा ढक्कन, ओहो, चीयर्स। तो अभी यहाँ के बच चुके हैं 12:30 और अभी हम चलते हैं मेकअप स्टोर में कुछ स्किन केयर खरीदने के लिए। सो गाइज गेस करिए, इनिसफ्री बंद है क्योंकि आपको तो पता ही है पू एंड हर स्ट्रगल, ये तो होना ही था मेरे साथ, ये मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। एनीवे गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ मेरी बस स्टॉप पर बस लेने के लिए और जॉब पर जाने के लिए। सो गाइज अभी मैं मेरे जॉब प्लेस पर ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ, सो मैं आपको मिलती हूँ 6 बजे मेरे डिनर ब्रेक पर, सो सी यू लेटर, बाय। हेलो एवरीवन, आई एम बैक और अभी यहाँ के शाम के 6 बज चुके हैं और मेरा टाइम हो चुका है डिनर करने का, सो डिनर के लिए हम जाने वाले हैं आज सी यू कन्वीनियंस स्टोर में। सो डिनर के लिए मेरे पास है ओनली 30 मिनट्स, तो उसकी वजह से मुझे जल्दी से कुछ खरीदना और जल्दी से खाना है। यहाँ पर है एक स्लाइस पिज्ज़ा की, मैंने कभी पिज्ज़ा नहीं खाया कन्वीनियंस स्टोर का, तो आज ये वाला ट्राई करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में हम ये लेते हैं ऑरेंज जूस, लुक्स सो क्यूट। यहाँ पर है इंडियन स्टाइल करी, आज मेरी आइसक्रीम की इच्छा हो रही है, सो आई एम गोना गेट दिस आइसक्रीम। खुमदोरी खाना, मेरे पास बचे हैं 15 मिनट खाना खाने के लिए, सो
I'm gonna have this one. तो इसके अंदर है चिकन मीट और ये है बेयर शेप. ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रंची है. Let's try the pizza now. So hot. इसके अंदर है स्पाइसी सॉसेज एंड चिकन पीसेस. Honestly, मैंने सोचा था कि ये पिज्जा बकवास होगा, लेकिन it's quite tasty. I only have 9 minutes to finish my dinner. 4 minutes left. So guys, I'm done with my dinner as well. और ice cream खाने के लिए मेरे पास time नहीं है, so I'm gonna put this in the fridge of my office. Wow, 30 मिनट में इतना dark हो गया. Finally guys, I'm done with my job today. और ये है मेरे ऑफिस का बाथरूम. Anyway, अभी हम बस लेते हैं और घर पर चलते हैं. तो फाइनली गाइज, इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद में मैं घर पर पहुंच चुकी हूँ. लेकिन घर पर जाने से पहले आई एम गोना गो टू दिस कन्वीनियंस स्टोर. मुझे मंगमोंग के लिए कुछ मीट वगैरह खरीदना है, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर. मंगमोंग के लिए ये चिकन और लैम मीट खरीदते हैं एंड हिज फेवरेट ट्रीट हियर. So guys, I'm finally back home और मंगमोंग ने भी इसका अपना डिनर कर लिया है. और एक्चुअली मुझे अभी अभी PR बॉक्स में ये कुछ सामान मिला है जो कि कुछ कंपनियों ने मुझे भेजा है. मुझे याद नहीं कि इसके अंदर क्या है, तो इसको खोल के देखते हैं. यार, जब फ्री फंडे में सामान मिलता है तो कितना अच्छा लगता है. ये है एक लॉन्ग स्लीव व्हाइट टॉप जो कि मैं अभी नहीं पहनूंगी, क्योंकि जो मेरे थोबड़े का मेकअप है ना, वो इसके ऊपर लग जाएगा एंड आई डोंट वांट टू रुइन इट. मेरे ऑलरेडी आज इतने सारे स्ट्रगल्स हो गए हैं और मैं और भी मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती. मैं ये वाला टॉप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पहनूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगेगा. और अभी खोलते हैं ये बड़ा वाला डब्बा. आई डोंट नो इसके अंदर क्या हो सकता है, इतना बड़ा डब्बा है. आई एम सो एक्साइटेड. ओ, इतने बड़े डब्बे के अंदर है एक छोटा डब्बा. मतलब कि इतने छोटे डब्बे के लिए उन्होंने इतना बड़ा डब्बा इस्तेमाल करा है. आई थिंक उनको डर था कि ये मेकअप का सामान खराब ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी सारी पैकेजिंग करके भेजी है. सो प्रीटी, लुक एट दिस, इट्स अ लेटर. यार, पहली बार किसी ने मुझे रोज भेजा है. ओह, दिस इज सो स्वीट. ओह, आई एम सो टच राइट नाउ. सो यहाँ पर है कुछ नाइट स्किन केयर फाउंडेशन, कुशन फाउंडेशन. सो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं इनको कल इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अभी काफी रात हो चुकी है और मैं भी काफी थक चुकी हूँ. एंड आई विल शो यू दिस स्किन केयर इन माई नेक्स्ट ब्लॉग फॉर श्योर. एनी वे गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप कि आपको आज का भी ये बहुत ही अजीब और बहुत ही गरीब ब्लॉग पसंद आया होगा. और मैं आपको जल्दी से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सेफ रहिए. आई लव यू. बाय.